हेलो दोस्तों, देखिए द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फॉर्म आ चुका है, तो इसके बारे में पूरा इसमें डिटेल बताया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, ये आपको इसमें दिया है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इन द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये आपको असिस्टेंट के लिए फॉर्म आया हुआ है। फॉर्म में आप पूरी जानकारी तभी आप जान पाएंगे जब शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को बढ़िया से देखेंगे। दोस्तों मैं एक एक बारीकियों को बताऊंगा आपको, कितना आपका फीस इसमें लगेगा, क्या आपका कैसे प्रोसेस, कैसे फिलअप करना है फॉर्म को, फोटो साइन, ये सब सारी प्रक्रिया बताऊंगा। तो ध्यान से देखें वीडियो को। इसमें आपका, देखिए इसमें आपको जो वैकेंसी है 685 पोस्ट इसमें है, ठीक है। ये रहेगा आपका क्लास थर्ड कैडर का, ये वैकेंसी है, ये बढ़िया है असिस्टेंट के लिए। तो देखिए इसमें फॉर्म जो अप्लाई किया जाएगा 16/7/2018 से लेके 31/7/2018 तक ये फिलअप करने का इसमें प्रक्रिया है। इसके बाद पेमेंट आप 16/7/2018 से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा और 31/7/2018 तक इसका पेमेंट भी चलेगा। तो ये आपकी प्रोसेस है। और देखिए आपको जो एग्ज़ाम होगा, इसमें दो एग्ज़ाम होगा, प्री और मेंस होगा। प्री आपको देखिए 8-9 सितंबर से स्टार्ट होगा, 8-9 सितंबर 2018 से ये टेंडेटिव डेट है। और मेंस का देखिए 6 अक्टूबर 2018 से स्टार्ट होगा। और देखिए आपको बता दूं मैं, कैटेगरी वाइज जो इसमें वैकेंसी आपको दी हुई है, इसमें देखिए जनरल ओबीसी एसटीएससी, इसमें देखिए कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बांटा गया है। जनरल में 375 है, ओबीसी में 113 है। देखिए यहाँ पर कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी यहाँ दी हुई है जो 32 है, यानी कि टोटल आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं 685, यहाँ पर पोस्ट 685 पोस्ट हो जाती है। ऐसे कैटेगरी वाइज इसमें बांटा गया है। देखिए जो यहाँ बैकलॉग वैकेंसी है, ओबीसी में आपको 18 है, एसटीएससी में यहाँ पे 10 दी हुई है, एससी में आपको, एससी में अलग है, एससी में 4 है, एसटी में आपको 10 है। ये दो कैटेगरी होती है, अलग अलग हो जाती है। ये सारी प्रक्रिया आपकी कैटेगरी वाइज है, बांट दिया गया वैकेंसी को। तो देखिए दोस्तों, इसका जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे वो आपको 10 दिन, एग्जाम से 10 दिन पहले आपको ये डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा साइट पे, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो अभी से ही, आज से ही, जो जो वीडियो देख रहे हैं यानी कि 16 से आप इस वीडियो को भरना स्टार्ट कर दें, क्योंकि साइट पे ये उपलब्ध हो गया है। देखिए दोस्तों आगे चलिए देखते हैं इसका कुछ प्रोसेस। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कहाँ पे कितना कितना सीट है। और देखिए यहाँ लैंग्वेज की बात कही गई है, जो देखिए लैंग्वेज क्या है कि आप हिंदी स्टेट से हैं तो हिंदी आप जहाँ बोलते हैं वहीं अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिस स्टेट में आप अप्लाई करेंगे वहाँ का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे देखिए आंध्रा में तेलुगु चलता है, आसाम में आसामी चलता है, वो आना चाहिए तभी आसाम में अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में देखिए हिंदी चलता है, चंडीगढ़ में हिंदी चलता है, जहाँ जो लैंग्वेज चलता है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीट कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जिस स्टेट वाइज भी देखिए, यहाँ बिहार के लिए, आसाम के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए, सभी कैटेगरी वाइज यहाँ बांट दी गई है सीटें, और किस स्टेट में कितना सीट है ये सारी प्रक्रिया यहाँ देख सकते हैं आप, सारे सीट बांट दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे गुजरात के लिए यहाँ सीट भी दिया हुआ है कि आपको 48 सीट है, और कैटेगरी वाइज इसमें बांटा गया है, यानी कि सारे स्टेट में कैटेगरी वाइज वैकेंसी बांट दी गई है। यहाँ झारखंड के लिए देख लीजिए, यहाँ 4 पोस्ट है, जम्मू कश्मीर में 5 है, आप देख लीजिए दिल्ली के लिए यहाँ पे 40 दिया हुआ है, गोवा के लिए आप देख लीजिए 3 दिया हुआ है, हरियाणा के लिए यहाँ 13 दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश के लिए 5 दिया हुआ है। ऐसे ही सारी सीटें बांट दी गई हैं। और इधर देखिए राइट साइड में आपको बैकलॉग वैकेंसी का भी दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में, किस स्टेट में कितना सीट बैकलॉग के लिए है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आप।
और जिस स्टेट में आप अप्लाई करेंगे वहाँ का लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ये बहुत मस्ट है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है महाराष्ट्र में 155 है, उड़ीसा में आपको 19 सीट है, पंजाब में 21 सीट है, पांडिचेरी में 1 सीट है, यहाँ राजस्थान में देखिए 21 सीट है, तमिलनाडु में 81 सीट है, 83 सीट है, तेलंगाना में आपको 25 सीट है, उत्तर प्रदेश में हमें 37 सीट दिया हुआ है, उत्तराखंड में आपको देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में 9 सीट दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल में आपको 16 सीट दी हुई है। वैसे ही आप राइट साइड में देख सकते हैं कि इस स्टेट में आपको बैकलॉग में सीट दिया हुआ है। यहाँ पर लास्ट में देखिए 27 नंबर, यहाँ पर बैकलॉग में 1 सीट दिया हुआ है वेस्ट बंगाल के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, पूरी प्रक्रिया देखने के लिए चैनल पर बने रहें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के लिए आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा एज में, और यहाँ ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल, जो डिसेबल पर्सन है उनको 10 ईयर का है, जो एक सर्विस मैन है उनको 45 साल यहाँ एज दिया हुआ है, और सारे इसमें बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको 5 साल का छूट दिया गया है, जो इंडिया न्यू इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं उनको 5 साल का यहाँ पे कैटेगरी वाइज छूट दिया गया है। ये सारी रिजर्वेशन कैटेगरी की बात हो गई यहाँ पे। और वैसे ही देखिए ऊपर में दिया हुआ है डिसेबल्ड एक सर्विसमैन के लिए भी इसमें बात कही गई है, उनको भी छूट दिया गया है। तो ये सारी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किनको किनको छूट दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे प्रीलिम जो टेस्ट होगा आपका इंग्लिश रहेगा, 30 नंबर का आएगा, 30 मार्क्स का, 20 मिनट समय रहेगा, समय ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगा, रीजनिंग के देखिए 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएंगे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, यानी कि एक घंटा समय रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। मेंस के लिए देख लेते हैं, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा, और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी 40-40 क्वेश्चन आएंगे 50-50 मार्क्स, यानी कि 200 क्वेश्चन रहेंगे 225 मार्क्स के, 2 घंटा समय रहेगा आपका। तो यहाँ पे हम कटअप का भी बात करेंगे कि पिछली बार कटअप कितना गया था, वो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे आप नोट कर सकते हैं प्रीलिम्स में कितना है और मेंस में क्या क्या आता है, और प्रीलिम्स में क्या क्या आता है देख लीजिए। यहाँ पे मेंस में आपको रीजनिंग जो 40 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे प्रोसेस है। देखिए कटअप हम देखते हैं, कटअप क्या गया था पिछली बार, देखिए कटअप यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए जनरल में 65 गया था और ओबीसी में 59.75 गया था, एसटीएससी में देख लीजिए 47, ये रोक के वीडियो देख सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके आप बढ़िया से उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप असम के हैं तो सेंटर आपका है, ये सेंटर कहाँ कहाँ भर सकते हैं, अगर आप बिहार के हैं तो कहाँ सेंटर भर सकते हैं, आरा दिया हुआ, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, गया, दरभंगा, आप ऐसे गुजरात के हैं तो कहाँ कहाँ भर सकते हैं, गया के हैं तो कहाँ, गोवा के हैं तो कहाँ आप सेंटर दे सकते हैं, हरियाणा के हैं तो कहाँ सेंटर दे सकते हैं, हर स्टेट के लिए अपना सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है, आप बढ़िया से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के हैं तो आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, बुलंदशहर ये दे सकते हैं, बहुत सारे, मेरठ दिया हुआ, मुरादाबाद, मुजफ्फराबाद, लखनऊ दिया है सेंटर, वाराणसी दिया है, ग्रेटर नोएडा, ये सब सेंटर आप दे सकते हैं, आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। देखिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि फ़ीस क्या लगेगी आपकी, जो एसटीएससी, पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एक सर्विस मैन है उनको 100 रुपया पे करना है, जो अदर स्टेट यानी कि जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं ओबीसी के उनको 600 रुपया फीस पे करना है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, देखिए अप्लाई करना है आपको, रजिस्ट्रेशन पहले जाना है, उसके बाद पेमेंट होगा, उसके बाद स्कैन करना है, क्या क्या फ़ोटो आपको लगेगा, आपको साइन अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, हैंड राइटिंग कुछ लिख के अपलोड करना है, वहाँ पे आपको
फॉर्म में दिया रहेगा कि आपको अपलोड करना है वहाँ पे हैंड राइटिंग में लिख के। जो आपको देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर रहेगा वो वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिखना है। लेफ्ट हैंड भी ब्लैक ही होना चाहिए, ब्लैक इंक से आपको होना चाहिए, और राइटिंग जो लिखेंगे आप वो भी ब्लैक से होना चाहिए। साइन जो होना चाहिए कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ये दिया हो जिसका दिया हुआ है कि अगर लेफ्ट थंब नहीं हो तो राइट से अपना लेफ्ट थंब कर सकते हैं, राइट थंब इम्प्रेशन कर सकते हैं वहाँ पे। आपका पेमेंट जो होगा ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास देखिए फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइडलाइन, ये गाइडलाइन दिया हुआ है। और देखिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, इसके बाद थंब इम्प्रेशन का साइज़ क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट जो डालेंगे उसका साइज़ क्या होना चाहिए, स्कैन जो आप अपना इमेज करेंगे उसका साइज़ क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ क्या होना चाहिए, ये सब मैं पूरा यहाँ बता रहा हूँ आपको। कि आपका जो फ़ोटो का साइज होगा वो आपका होगा 20 के बी से लेके 50 के बी तक, ठीक है। और आपका जो आपका सिग्नेचर जो होगा वहाँ यहाँ पे आप 10 के बी से लेके 20 के बी के बीच में करेंगे। आपका हैंड राइटिंग जो लिखेंगे वो 20 के बी से 50 के बी के बीच में होना चाहिए थी। और यहाँ पर थंब इम्प्रेशन भी आपका देखिए यहाँ पे जो होगा वो आपका 10 के बी से 20 के बी के बीच में होना चाहिए। तो ये सारी इसकी प्रक्रिया है सिग्नेचर का और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का और हैंड राइटिंग डिस्क्रिप्शन इमेज का। और देखिए फ़ोटो जो डालेंगे आप इसका 20 के बी से 50 के बी होना चाहिए, ये सारे ब्लैक यानी कि ब्लैक इंक से ही होना चाहिए लिखा हुआ या साइन या राइटिंग, ये सारी प्रक्रिया है। आगे देखते हैं अब जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन करेंगे, इसमें दिया हुआ है कि जो आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे वो आपकी JPG फॉर्म में सारा होना चाहिए। फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो भी साइन ये सब जितने भी हैं वो सारे JPG फॉर्म में होना चाहिए। और उसके बाद आप अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, जहाँ बोलेगा वहाँ आपको अपलोड कर देना है सारा। अपलोड करने के बाद आपको देखिए सबमिट में जाना है, हम वहाँ से सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ये सब प्रक्रिया अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कॉल लेटर नहीं आएगा आपके घर पे, या आपको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन जो डाउनलोड करेंगे कॉल लेटर एडमिट कार्ड उसको बोलते हैं, तो आपका डाउनलोड नहीं होगा। ये सब यहाँ से प्रोसेस है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और आपको कुछ लगता है तो कमेंट भी करें। ये सारी प्रोसेस है। देखिए दोस्तों इसमें आपको जो आपको यहाँ देखिए ट्रेनिंग के समय आपका ट्रेनिंग 6 महीने का होगा, उसमें आपको 25,000 आपको पे करना है वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद आपको जो पेमेंट मिलेगा वो आपको यहाँ पे पूरा स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए जो लोग मेट्रो सिटी में रहेंगे उनका 23,500 रुपया यहाँ पेमेंट रहेगा, और जो लोग मेट्रो सिटी में नहीं रहेंगे वहाँ पे देखिए 14,435 रुपया से स्टार्ट है और 840 रुपया और एक्स्ट्रा उसमें जुटेगा बेनिफिट्स। और देखिए ऐसे दिया हुआ है, लास्ट यहाँ दिया हुआ है 40,080 रुपया अगर आपको यहाँ मिलेगा यहाँ, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपको पेमेंट कितना मिलेगा यहाँ से। स्केल वाइज दिया हुआ है, स्केल 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ करके दिया हुआ है। तो ये सारी प्रक्रिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल
पे बने रहें और इसी तरह से आप वीडियो को बढ़िया से देखते रहें, और जब भी वीडियो देखें शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके किसी भी नोटिफिकेशन में। और किसी चीज़ का नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।